हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। बच्चों, ये जो वीडियो है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये वीडियो जेई मेन के बच्चों के लिए है, उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए है, और ये एक न्यूज़ है जो कि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत लेंदी वीडियो नहीं है, सिर्फ इसके अंदर आपको अपडेट से मैं वाकिफ कराऊंगी। तो इस आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम इंटीमेशन स्लिप जो है वो आउट होने का है टुमारो। टुमारो मीन्स टुडे, बिकॉज ये कल की न्यूज़ है और ये आज आउट होने वाली है और मे बी आउट भी हो चुकी है। और ये एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं jeemain.nta.nic.in पर जाके। आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और आपको सारे स्टेप जो है फॉलो करने हैं वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 1 जनवरी सेशन जो है वो हर अलग अलग सिटीज़ में होने वाले हैं, और वो उनकी जो डेट है, इम्पॉर्टेंट डेट है, उस डेट के बारे में बताया जा रहा है कि वो डेट जो है वो 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 24 to 31 जनवरी, इन बिटवीन दीज डेज आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपकी ये किस सिटी में होंगे, कहाँ पर होंगे, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने एडमिट कार्ड के थ्रू मिल जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर जो कि jeemain.nta.nic.in है, इस पर ज़रूर चेक करिए और अपनी सारी चीज़ों को जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स वो पूछ रहा है उसको डाल के देखिए। और बच्चों, जेई मेन के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट होंगे 13 लैंग्वेजेस में, और जो उसका सेकंड सेशन स्टार्ट होने वाला है वो 6 से 12 अप्रैल के बीच में, यानी 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में। और आपको क्या क्या करना है, कैंडिडेट विल रिक्वायर टू यूज़ देयर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको आपका एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए आपको, अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पता होनी चाहिए। तो मैं इसको हेडलाइन में मेंशन कर दे रही हूँ और लाइन के साथ मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जो है एप्लीकेशन नंबर, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, एप्लीकेशन नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या जानकारी दी जा रही है। अब देखिए बच्चों, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपकी ये जो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल आल्सो रिलीज द ऑनलाइन एग्जाम सिटी स्लिप ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये जो है सिटी स्लिप के बारे में पता चलेगा कि आपको किस सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है। और जो उन्होंने बताया है कि डिस्क्लोज नहीं किया है एग्जैक्ट डेट एंड टाइमिंग एडमिट कार्ड, जबकि एग्ज़ाम सिटी जो है इंटीमेशन स्लिप जो है रिलीज़ होने वाली है। तो आप इस वेबसाइट पर जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और जेई मेन 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 जनवरी सेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो 24 से 31 जनवरी के बीच में होंगे, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो दी हुई है नीचे, इस पर आप जाके विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ jeemain@jeemain.nta.nic.in पर, यानी कि ये जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाके बहुत आराम से अपना जो है एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर जाके आप अपना एडमिट कार्ड बहुत आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें कुछ चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको वो चीज़ें याद रखनी है। आपके एग्ज़ाम का कम टाइम है तो आप कुछ भी नया मत देखिएगा, ठीक है, न्यू नथिंग, कुछ भी नया मत देखिए। मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि अब टाइम मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ों का ही असली टेस्ट होता है जितनी आपने प्रैक्टिस करी है। और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको सभी बच्चे देख रहे होंगे, उनको प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा, उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 3 पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और अपने ब्रेन को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के प्रेशर में आगे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने लगें कि भाई हमको अब बहुत ज़्यादा पढ़ना है, एग्ज़ाम आ गया है, और सारी आपकी मेहनत जो है बेकार हो जाए। तो आपको मेंटल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
तो उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को करते हुए आप अपना जो है बेस्ट 100% दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ जेईई मेंस, और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। होप्स हो कि आप ये एग्ज़ाम अपेयर करें और आपके भविष्य उज्ज्वल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।